दो कार का पार्किंग के लिए कितना साइज मतलब कितना एरिया लगेगा। चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं दो कार आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। इसका हम साइज़ के बारे में बात करेंगे आज, हम कितना साइज़ दें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई कार की लंबाई चौड़ाई को लेकर के, कार का लंबाई चौड़ाई क्या है। आप कार खरीदते हैं कि एसयूवी खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं। अगर हम एसयूवी की बात करें तो उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें भी जो एसयूवी में भी जो फाइव सीटर होता है, और आपका जो है अगर हम बात करें सेवन सीटर होता है। देखिए अगर आप यहीं पर कार यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस कार की लंबाई कम है, चौड़ाई लगभग 4.5 फीट होगा। इस कार की जो है थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा है, और अगर हम बात करें इस कार की तो ये कार की भी लंबाई बहुत ज़्यादा है। आपका अगर हम ज़्यादा की बात करें तो आपका 13 फीट प्लस है। आपका मेरी कार भी जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 13 फीट है, ये आपका जो 10 फीट के आसपास जो छोटी कार है इसकी 10 फीट होगी। तो अगर आप इनोवा लेते हैं, फॉर्चुनर लेते हैं, उसकी लंबाई और भी होती है, 15 फीट प्लस होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब हम यहाँ पे बात करेंगे कार की एरिया को लेकर के। तो 15 फीट आपका लंबाई हो गया। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो है ये डिपेंड करता है आपका। अगर हम 5 फीट भी चौड़ाई लेके चलते हैं कार की, और दोनों साइड 3-3 फीट का आपका ओपनिंग होगा, 6 फीट, तो 5, 6, 5, 11, और 1 फीट आप सर आपको लेकर चलना पड़ेगा, तो 12 फीट की चौड़ाई आपको कम से कम लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। और लंबाई 15 फीट प्लस। तो यहाँ पे दो कार की हम बात कर रहे हैं, दो कार के अगर हम यहाँ पे देखिएगा तो कितना लिखा हुआ, 21 फीट 11 इंची बाय 15 फीट 5 इंची का टोटल यहाँ पे दो कार का पार्किंग आराम से हो जाएगा, ठीक है। एक कार का एंट्री आया यहाँ से, यहाँ लग गया, जिसका जो एरिया आप यहाँ पे देखेंगे कॉलम के बाद भी है, और कॉलम के बाद भी है जो कैंटिलीवर 3.5 फीट निकला हुआ यहाँ तक एरिया है, और ये जो बाउंड्री दिख रहा है यहाँ से बाउंड्री होगा यहाँ से। तो कार का फेस यहाँ से शुरू होगा, इस फेस से 2.5 फुट होते हुए और आपका यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक कार आपका लगेगा। तो कुछ तो पहले कार आपका कहाँ से आया, ये दोनों कॉलम के बीच से, दूसरी कार जो है यहाँ से रहेगा, जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ से कार आई और यहाँ पे आपका आराम से लग गई कार, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम कार की बात करें, दो कार आपको यहाँ पे आराम से आ गया, ठीक है। दो कार पार्किंग सफिशेंट है, कितना पे 21 फीट 11 इंची बाय 15 फीट 5 इंची का, वहाँ से लेकर के यहाँ तक का। हाँ, इस बीच में अगर आप चाहेंगे बाइक, आप बोलेंगे सर मेरे पास बाइक भी है, बाइक कहाँ रखें। बाइक के लिए देखिए यहाँ पे उसी हिसाब से इसका डिज़ाइन हुआ है, ये 3 फ्लाइट स्टेयरकेस, इसके नीचे आपको आराम से बाइक लग जाएगा, एक बाइक, दो बाइक, तीन बाइक आपका आराम से यहाँ लग जाएगा, ठीक। तो नीचे आप रहना चाहते हैं और फर्स्ट फ्लोर में भाड़ा पर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तब उस सिचुएशन के लिए जो है ये परफेक्ट आपका एरिया रहा। क्योंकि पार्किंग भी आपको देना पड़ेगा, पार्किंग नहीं देंगे तो देखिए पार्किंग नहीं देने से आपको जो है अपना कार बाहर रखना पड़ेगा, जो कि अनसेफ है। और अब घर बना रहे हैं तो एक ही बार बना लीजिए, पार्किंग के लिए अपने ज़मीन में रख लीजिए भाई, बरसात धूप सबसे बचा रहेगा कार, और कार जो है सेफ भी रहेगा, कोई भी तरह का उसके ऊपर दिक्कतें नहीं है, उस गर्मी धूप और बरसात से भी बचेगा। तो ये रहा, तो दोस्तों कार पार्किंग का जगह को लेकर था। उम्मीद करते हैं फिर से हम आपको दिखा देते हैं यहाँ से दो कार पार्किंग के लिए जगह, अगर इसको देखेंगे तो फिर जूम कर लेते हैं दो कार पार्किंग के लिए कितना जगह चाहिए। क्लियर हो गया, 21 फीट 11 इंची 15 फीट 5 इंची का। और उम्मीद करती है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, पसंद जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल वा को सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए उसको क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।